आज देश की संसद के अंदर दो प्रदर्शनकारी कलर स्मोक स्टिक लेकर घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने सदन पटल पर नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पीले रंग का धुआं संसद में बिखेर दिया। सांसदों ने घेर कर प्रदर्शनकारियों की पिटाई कर दी और फिर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दो प्रदर्शनकारी बाहर भी पकड़े गए। ये प्रदर्शनकारी तानाशाही बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो और जय भीम जय भारत जैसे नारे लगा रहे थे। संसद में घुसने वाले प्रदर्शनकारी मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा की पहचान से आए हुए थे। संसद की सुरक्षा में चूक पर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताते चले, साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। 2 लोगों ने अंदर और 2 लोगों ने बाहर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया, स्मोक पाउडर का छिड़काव किया। साजिश में 2 लोग और शामिल हैं जो फरार बताए जा रहे हैं और लगातार उनकी धरपकड़ की कोशिशें अब पुलिस की ओर से की जा रही है। दिल्ली के बाहर से आए 5 लोग गुरुग्राम में रुके थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जो 2 फरार आरोपी हैं उनकी तलाश में लगातार इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई है। और यहाँ पर सागर शर्मा, जिसका आधार कार्ड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, देखिये 1996 में जन्मा ये शख्स, कम इसकी उम्र है, लेकिन इसकी ओर से आज सदन के भीतर जिस तरह से हंगामा किया गया, वहां पर पीले रंग का धुआं छोड़ा गया, उसके बाद अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया था। हालांकि जबरदस्त तरीके से सांसदों ने मिलकर इसकी पिटाई भी की है। आपको बताते चले, 4 प्रदर्शनकारियों में से 1 हरियाणा के जींद, 2 महाराष्ट्र के लातूर, 3 कर्नाटक के मैसूरू का बताया जा रहा है। पुलिस 4 को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा में सेंध के बाद दर्शक दीर्घा बंद करने की बात कही है और फ्लोर लीडर्स की मीटिंग भी बुलाई है। लेकिन जिस तरह से 2001 के संसद हमले की बरसी के दिन संसद भवन की सुरक्षा में गंभीर सेंध लगी है, उसे लेकर सवाल उठता है कि आखिर संसद भवन की सुरक्षा में लापरवाही कैसे बरती गई। और दूसरा ये कि क्या इनका प्रदर्शन कोऑर्डिनेटेड था, जिस तरह एक संसद के अंदर और बाहर दोनों में ही कामयाब होते हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या ये प्रदर्शनकारी किसी सियासी मकसद से प्रेरित होकर यहां तक पहुंचे थे। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले देखिए आज संसद भवन के भीतर और बाहर घटना क्या घटी। कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल जिसका किया गया था, संसद में आज हंगामा मच गया था। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा, वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट 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 करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। तो ये दुखद है क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। जिस संसद भवन पर 22 साल पहले हुए आतंकवादी हमले की बरसी में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी, जहां देश सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था, उसी संसद भवन में दोपहर होते तक सुरक्षा में घनघोर लापरवाही की तस्वीरें दुनिया देख रही थी। संसद में दोपहर 1 बजे के आसपास तकरीबन एक साथ प्रदर्शन हो रहा था। बाहर एक महिला और एक युवक कलर स्मोक जलाकर प्रदर्शन कर रहे थे। अंदर 2 युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर आसन की तरफ नारे लगाते हुए बढ़ रहे थे। पीला धुआं संसद के अंदर भी फैल चुका था। पहले संसद भवन के अंदर की कहानी सुनिए। दोपहर 1:12 का वक्त बीजेपी सांसद अपनी बात कह रहे थे। एक युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर आसन की ओर बढ़ने लगा। बाकी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। वो सीटों के ऊपर से कूदते हुए आगे बढ़ रहा था। सांसदों ने घेर कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारी युवकों ने जूते में से कलर स्मोक स्टिक निकाली और सदन पीले रंग के धुएं से भर गया। डीएमके सांसद ने तस्वीर खींची, उसमें राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता संसद में हैरान नजर आ रहे हैं। तस्वीर में सामने जो दर्शक दीर्घा से नजर आ रहा है, वहीं से प्रदर्शनकारी कूदे थे।
और भारत माता की कर रही है आप। संसद के बाहर दो प्रदर्शनकारी थे, पीले और लाल रंग के कलर स्मोक जलाकर नारेबाजी कर रहे थे। हम क्या नाम है आपका, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया। संसद भवन के अंदर दो और संसद भवन के बाहर दो प्रदर्शनकारी थे। संसद भवन के अंदर से पकड़े गए दो युवकों के नाम सागर और मनोरंजन बताया जा रहा है। इसमें मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला बताया जा रहा है। संसद भवन के बाहर दो लोग पकड़े गए हैं, इसमें एक 42 साल की महिला का नाम नीलम बताया जा रहा है जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। दूसरा युवक अमोल शिंदे बताया जा रहा है जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले चारों प्रदर्शनकारियों को लेकर चश्मदीद सांसदों ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के नारे में चार पांच चीजें थी। संसद के अंदर तानाशाही बंद करो के नारे लगे थे, बाहर तानाशाही बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, जय भीम जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए गए। हालांकि अब तक साफ नहीं हो सका है कि महाराष्ट्र के लातूर और हरियाणा के हिसार के रहने वाले युवक युवती कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिंह की ओर से सिफारिशी पास का क्या कनेक्शन है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। अब देश के सामने बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये प्रदर्शनकारी संसद की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर अंदर कैसे पहुंचे और इनकी ओर से लगाए जा रहे नारों का क्या सियासी मकसद है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस से लेकर आईबी तक तमाम सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। संसद की सुरक्षा में लापरवाही को देखते हुए विजिटर गैलरी बंद कर दी गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नहीं बनानी है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।